हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्टर मीडियम होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और जो प्रोसेस होती है कितने टाइप की होती है। तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक तो बैच प्रोसेस होता है और एक कंटिन्यूस ऑपरेशन, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स। तो उसमें फर्स्ट है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ये क्या है, एक बैच टाइप का फिल्टर प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो यूनिट होती है, एक तो प्लेट और एक फ्रेम। और फिल्टर मीडियम जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, फिल्टर क्लोथ होता है, ठीक है। तो जो फ्रेम, एक तो होता है फ्रेम, वो क्या होता है, एक साइड से ओपन होता है जहाँ से क्या होता है, फीड को एंटर कराया जाता है। ऐसी जो प्लेट्स है वो क्या होता है, एक फिल्टर प्लेट होती है, एक होती है वॉश प्लेट। तो इन दोनों, ये जो दोनों प्लेट होती है इनकी जो सरफेस होती है वो होती है ग्रूव्ड सरफेस, मतलब कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, जो फिल्टर क्लोथ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो फिल्टर प्लेट और जो वॉश प्लेट है, इन दोनों में नीचे की साइड क्या होती है, ये ओपनिंग होती है जहाँ से क्या होता है, हम फिल्ट्रेट को आउटलेट में प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब जो प्लेट एंड फ्रेम जो फिल्टर प्रेस है, इसका क्या है, अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि पहले फिल्टर प्लेट, फिर फ्रेम, फिर मीडियम, फिर वॉश प्लेट, फिर मीडियम, इस टाइप का क्या होता है, सीरीज में इनको लगाया जाता है। तो वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है इसका, कि जब स्लरी को फीड चैनल से फ्रेम में एंटर कराया जाता है, ठीक है। तो जो फीड होगी हमारी वो कहाँ से पास करेगी, फ्रेम। फ्रेम क्या था, क्योंकि ये ऊपर से ओपन था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी कि फीड हमारी पास करेगी फिल्टर मीडियम से। अब जब फिल्टर मीडियम से फीड को पास कराया जाता है तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो तो फ्रेम पर क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिल्टर केक फॉर्म करते हैं। और जो बाकी बचा जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ से पास होगा, जो प्लेट्स लगी हुई है हमारी उसके सरफेस पर डाउनवर्ड फ्लो करता है, क्योंकि फीड हमारी आ रही थी ऊपर से, ठीक है। फीड इस टाइप से आएगी, अब क्योंकि फ्रेम था तो ऊपर से तो ये पास करेगी, लेकिन जो इसका आउटलेट है प्लेट्स का वो क्या है, नीचे की साइड है। तो ये जो फीड है फ्रेम से पास होने के बाद क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, फ्लो करती है, कहाँ पर, फिल्टर प्लेट और वॉश प्लेट पर। तो क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट है वो प्लेट डाउनवर्ड फ्लो करेगा और फिर उनको आउटलेट ओपनिंग से क्या करते हैं, सेपरेट कर लिया जाता है। तो जब तक ये जो फ्रेम होता है ये पूरा फिल्टर केक से कवर नहीं हो जाता, तब तक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाता है। फिर फिल्टर केक ज़्यादा एक्यूमुलेट होने पर क्या किया जाता है, जो फ्रेम होता है उसे हटाकर क्लीन कर लिया जाता है। और क्या होता है, जो वॉश प्लेट और फिल्टर प्लेट है इनको अगर हमें क्लीन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फीड है हमारी जो फ्रेम के थ्रू पास हो रही थी, इस फीड की जगह वॉश लिक्विड को फ्लो कराया जाता है। और जो वॉश प्लेट है उसका क्या करेंगे, हम जो आउटलेट है उसको बंद कर देंगे और जो ओपनिंग है उसकी सिर्फ उसको खुला रखते हैं। तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से उस लिक्विड को क्या किया जाता है, वॉश प्लेट और फिल्टर प्लेट दोनों के डायरेक्शन में क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से उस लिक्विड को फ्लो कराया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फिल्टर केक जो एक्यूमुलेट होता है वॉश प्लेट और फिल्टर प्लेट पे वो रिमूव हो जाता है। फिर से इस साइकिल को क्या किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए। तो इस प्रकार से फिर हम बार बार फिल्टर कर सकते हैं। तो मेनली जो इसमें क्या होता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर में, कि इसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, हमें उसको सेपरेट करना है, ठीक है। जो लिक्विड है वो हमारा क्या जाएगा, प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है। अब क्या होता है कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, कि कहाँ यूज़ होता है, तो माइनिंग में, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन, टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्री, एल्कोहल, इन सब में क्या होता है, इस जो ये जो फिल्टर है इसका यूज़ किया जाता है। तो एडवांटेज ऑफ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये लार्ज फिल्टरिंग एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, कि ये जो फिल्टर प्रेस है ये सिर्फ हम उन स्लरीज के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें कि जो सॉलिड का परसेंटेज है वो क्या हो, 5% से कम हो, ठीक है। जो सॉलिड की क्वांटिटी है वो अगर कम होगी तो हम इस वाले फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा क्या होता है कि ये बैच फिल्टर है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि एक बार हमने स्लरी को फीड कराया, फिर उसमें से हमने सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया, फिर उसके बाद में फ्रेम को क्लीन करने के लिए प्रोसेस को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये साइकिल को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो ये क्या है, बैच प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि क्लीन कर उनको प्रोसेस को बंद करके और बार बार ये जो प्लेट और फ्रेम है उनको क्लीन करना पड़ेगा, तो ये क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। नेक्स्ट है बैग फिल्टर्स। बैग फिल्टर्स का यूज जनरली जो जो पॉल्यूटेड एयर होती है, जो फ्लू गैसेस होती है जो इंडस्ट्रीज से निकलती है, उनको उनको क्लीन करने के लिए बैग फिल्टर का यूज़ किया जाता है। तो बैग फिल्टर में क्या होता है, एक मेटल बार होती है, उससे बहुत सारे क्या होते हैं, फाइबर बैग्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो फाइबर बैग्स होते हैं, इनका क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बंद होता है और जो निचला सिरा होता है वो खुला होता है। और जो फिल्टर है, फिल्टर के बॉटम में क्या होता है, एक हॉपर लगा होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। इसमें इनलेट क्या होता है, जो हमारा डस्ट पार्टिकल में जो गैस में है, यानी कि जो पॉल्यूटेड गैस है वो हमारी क्या होती है, इसमें फीड होती है। तो जो डस्ट पार्टिकल से भरी हुई गैस है, जो पॉल्यूटेड गैस है, वो क्या होती है, इनलेट से उसे एंटर कराया जाता है, तो वो बैफल प्लेट से टकराती है। उसमें क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो टकराकर ग्रेविटी के कारण हॉपर में गिर जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी बची हुई गैस है वो क्या होती है, वो ऊपर की ओर फैब्रिक बैग में फ्लो करती है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या होता है, फैब्रिक बैग पर चिपक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो फिल्टर केक है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो और जो क्लीन गैस है उसे हम ऊपर की साइड से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये फिल्टर केक ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो क्या होता है, एयर फ्लो होता है वो रुक जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एयर फ्लो के लिए। तो इसलिए जो फिल्टर बैग्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मैकेनिकल शेकर या फिर वाइब्रेशनल मैकेनिज्म के द्वारा इनको क्लीन किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल है जो कि हमारी पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट थे, वो क्या होंगे, अगर इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज होगा उन डस्ट पार्टिकल पर, तो जो फाइबर होता है हमारा, जो फिल्टर पे फिल्टर लगा होता है, इसकी क्या होती है, उन डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इनक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर बैग फिल्टर यूज़ होते हैं, तो जहाँ पर हमारी पॉल्यूटेड गैस निकलती है प्रोडक्ट में, वहाँ इनका यूज़ करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में, लाइम इंडस्ट्री में, या फिर सेरेमिक इंडस्ट्री, इन सब में क्या होता है, बैग फिल्टर का यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं कि हाई कलेक्शन एफिशिएंसी, जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल होते हैं ना, जिनकी साइज़ क्या होती है 10 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, उनको कलेक्ट करने के लिए ये एफिशिएंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसके जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, वो बहुत सिंपल होता है और इजी ऑपरेशन होता है। पार्टिकल्स हम जो सेपरेट करते हैं ड्राई एयर से, जो हम सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, वो क्या होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, तो उनका जो कलेक्शन होता है, डिस्पोजल होता है, वो क्या होता है, इजी होता है। और जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है कि जो इक्विपमेंट साइज़ है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक जो मतलब ये जो फिल्टर बैग जो लगे होते हैं, उनका रिप्लेसमेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है।